वेल डन। ऐसा मैंने क्या किया है? परिहास में ऐसे स्वागत करते हैं क्या? अरे स्वागत को अंग्रेजी में वेल डन कहते हैं। ओ स्वागत को, तुम्हारा मतलब है वेलकम। हाँ वही तुम्हारा वाला कम। एक बात समझ नहीं आई। क्या? कि अंग्रेजी में वेल का मतलब होता है कुआं। तो जो भी आते हैं वो कहते हैं आओ कुएं के अंदर। तू नहीं समझेगा, उस वेलकम के वेल में एक एल कम होता है। तो कि एक एल कम होने से कुएं की गहराई कम हो जाएगी? खोल दू कहीं का। अच्छा हो गया ना तेरा वेल डन वेलकम स्वागत। तेरे इस देसी अंग्रेजी से हटकर परिहास की बात करते हैं, कुछ पढ़ने लिखने की। अच्छा एजुकेशन। अच्छा एक बात बताइए, एजुकेशन में कल्लू वाला ऊ लगता है या उल्लू वाला ऊ? हिंदी में एजुकेशन नहीं होता, शब्द होते हैं शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। जो लोग पढ़ लिख लेते हैं उन्हें शिक्षित कहते हैं। इसीलिए तो अंग्रेजी पढ़ पढ़ कर पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ भाई। ओहो क्या अंग्रेजी है तुम्हारी, इतने सारे शब्द कैसे इकट्ठे हो गए? ये दिख नहीं रहा, इतना मोटा डिक्शनरी लेके आया हूँ। ये तीसरी है, तीन तीन बदल दी मैंने। तीन तीन बदल ली? हाँ। क्यों? पहली वो गई, दूसरी वो गई, और ये तीसरी। लेकिन इसमें भी एक कमी है, इसमें वो इम्पॉसिबल शब्द है ही नहीं। खोलो। ओके। ये रहा। हाँ। है ना? हाँ। अब इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ो। अच्छा। एक एक शब्द पढ़ो। शब्द अक्षर मतलब लेटर। ओ देखिए देखिए देखिए, आई एम पॉसिबल। बस बिल्कुल ठीक। अगर इंसान ठान ले कि सब कुछ पॉसिबल है यानी संभव है तो वो अपनी मदद स्वयं कर सकता है। हाँ, मेरी अम्मा अपने हर खर्च में से रुपए बचा बचा कर अपनी अंटी में बांध के रखती थी, और जब भी वो मुझे जेब खर्च देती थी मैं ले जाके अपने गुल्लक में डाल देता था। अरे सोचो, मेरी अम्मा 50 रुपए और तुम्हारी अम्मा 50 रुपए बचाए, और वैसे ही 10 औरतें 50-50 रुपए इकट्ठा करें, तो 50 और 50 हो गए 100। हाँ। और 100 और 50 हो गए। अरे ऐसे तो बनते हैं स्वयं सहायता समूह, और समूह के सदस्य एकत्रित निधि से एक दूसरे की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, और अगर संकट की घड़ी आ जाए तो उस घड़ी को शुभ घड़ी में बदला जा सकता है। संकट की घड़ी शुभ घड़ी? हाँ। चलो तो फिर ये संकट की घड़ियां जरा मुझे भी दिखाओ, मेरी घड़ी साज। देखो। कहाँ जा रही हो ससुर के? हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। जरा एक घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ जा रही हो? पैसों का इंतजाम करने जा रही हूँ। तुम तो शहर से पैसे लेकर आए नहीं, सोचा था पैसे लेकर आओगे तो खेत बोएंगे। कहाँ से लाता बताया तो, कंपनी में हड़ताल जो हो गई, वरना सोचा तो मैंने भी यही था। 2000 रुपए के बिना बात तो बनेगी नहीं, उसी का इंतजाम करने जा रही हूँ, देखो क्या होता है। कहाँ? शंकर साहूकार के पास? नहीं नहीं, अब तो मेरे सुख दुख का साथी समूह ही है, एक वही तो है जो मेरी हर परेशानी में मेरी मदद करता है। ये कोई नया साहूकार है क्या? हाँ बस कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, एक घंटे तक आ जाऊंगी, तुम आराम करो। जरूर ताल में कुछ काला है, जब मैं वहां शहर में था तो समूह का यहाँ आना जाना लगा रहा होगा। आजकल कुछ भरोसा भी तो नहीं है, लेकिन इस बात की पक्की खबर कहां से मिले? अरे राम राम भैया। अरे बतिया तू। हाँ। अरे यार बैठ, कहाँ जा रहे है भाई? अब यहीं था, शहर तक जा रहा था। और तुम सुनाओ, कब लौटे शहर से? बस यार कल ही गांव वापस आया हूँ। क्या बात है भैया, उदास से लग रहे हो, सब ठीक ठाक तो है? क्या बताऊँ यार, इन प्राइवेट कंपनियों का कोई भरोसा भी तो ना है। कंपनी में हड़ताल हो गई, तो मालिक ने कहा काम नहीं तो पैसा नहीं। भाई थका आ रहा गांव वापस लौट आया। अब तू ही बता मोतिया, शहर में खाली बैठा बैठा आखिर करता क्या? हाँ और क्या, अब शहर में रह के तो कोई हल निकलता नहीं,
वैसे हर चीज का हल है। अच्छा क्या जो तुमने वापस लौट आए। भैया मैं तो कह रहा हूँ यहीं कोई रोजी रोजगार देख ले। हाँ यार सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, पैसा वैसा भी तो ना है। भाई सुने तो बात है, ये बताइए ये समूह कौन है? सुना है गांव में कोई नया साहूकार है। समूह भाई, समूह नाम का तो कोई साहूकार नहीं है। साहूकार तो एक ही है गांव में, शंकर सेठ। ना यार है, फिर तुझे पता नहीं होगा। अरे मैं गांव में रहता हूँ, मुझे नहीं पता होगा। खैर सोचने दे जरा। ना भाई ना, इस गांव में ना, पल्ले गांव में हो तो कह नहीं सकता। तो अब बात मेरी समझ में आई, मामला दूसरे गांव का ही है। मतलब ये तू क्या कह रहा है यार, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तू पूछ क्यों रहा है सब। खैर छोड़ यार, तू ये बता तेरा कामकाज कैसा चल रहा है। अपना क्या है यार, वही खेती बाड़ी। अच्छा मैं जरा शहर से होके आता हूँ, शाम को बैठ के आराम से बतियाएंगे। हाँ ये ठीक रहेगा, भूलना मत। हाँ जरूर आना शाम को, और जरा उस नए साहूकार के बारे में पता करना। चल ठीक है, पता लगाता हूँ। राम राम। राम राम भाई। मोतिया को भी पता नहीं तो ये समूह कौन हो सकता है। सो गए क्या? आने में देर हो गई ना। वो क्या है ना कि समूह बड़े हिसाब किताब से पैसे देता है, इसलिए देर हो गई। नहीं देर तो नहीं हुई, बस जरा लेटा ही था कि आंख लग गई। खैर तुम सुनाओ। देखो समूह ने तो कहा है कि कल तक इंतजाम हो जाएगा, कल पैसे मिल जाएंगे तो तुम कल ही बाजार से बीज लेकर आ जाना। क्यों, आज उसके पास पैसे नहीं थे क्या? पढ़ाया था ना सेठ। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, देख रहा हूँ यहाँ लोगों की तबीयत एक जगह नहीं लग रही है। अब तुम आराम करो, शहर का खाना खा के बहुत चिड़चिड़े हो गए हो, अब देखना मैं तुम्हारा कैसे ध्यान रखती हूँ। सुनो कल कितने बजे जाओगी पैसे लेने? समूह ने यही कोई 11 बजे के करीब बुलाया है। ठीक है मैं भी कल तुम्हारे साथ ही चलूंगा। नहीं नहीं वहाँ तो सिर्फ औरतों का काम होता है। अच्छा तो साले ने एक साथ कई औरतों को फंसा रखा है, एक बार मिल तो जाए। क्या बड़बड़ा रहे हो, ठीक तो हो? कुछ नहीं ठीक हूँ, लेकिन मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकता? अच्छा नहीं लगेगा, समझा करो ना। मैं सब समझता हूँ। अच्छा जी मैं जा रही हूँ, घंटे भर में लौट आऊंगी। अरे लखन भैया ये लट्ठ लिए कहाँ घूम रहे हो, किसको पकड़ने निकले हो, भैंस खुल गई क्या? कुछ नहीं यार बस ऐसे ही सोचा जरा शहर पर निकल लूँ, बड़े दिनों से गांव में बाहर नहीं निकला था। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब शहर में ऐसी खुली हवा कहाँ नसीब होती है। भाई थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलता हूँ। जल्दी में हो, अभी तो कह रहे थे कि शहर को निकला हूँ। ए भैया शहर को निकले हो या कुछ और करने निकले हो? अरे नहीं यार तुम गलत समझ रहे हो, बाजार जाना था बीज लाने के लिए। और ये लट लेके कहां से आ रहे हो? अरे वो बस जरा गांव में टहलने निकल गया था। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, ये लो जल्दी से बाजार जाओ और जाके बीज ले आओ। 2000 है। चलो आज बीज का काम तो हो गया, अब कल खेतों में बीज पड़ जाए तो चैन आ जाए, क्यों जी? क्या हूं किए जा रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? वो तो भला हो समूह का जो वक्त पर काम आ जाता है। बहुत प्यार हो गया है समूह से, क्यों? हाय समूह तो मेरी जान है, उसने मुझे कहां कहां नहीं बचाया सच में, वरना ये शंकर साहूकार ये तो हमारा घर जमीन सब गिरवी रखवा देता। लेकिन वो समूह तुम पर इतना मेहरबान क्यों है? क्योंकि हम समूह पे मेहरबान है, सच में समूह तो मेरी जान है। समूह समूह समूह, तो जाकर तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी किससे?
समूह से? पागल हो गए हो क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ। ये जो चक्कर चल रहा है ना मुझे सब पता है। कुछ दिनों के लिए शहर क्या चला गया, तूने ये खेल खेलना शुरू कर दिया। देखो सो मत, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम किसी पराई मर्द के साथ। चुप, बस अब एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, समझे? क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ बहुत समझदार हो। देखो तुम उस समूह के पास जाना छोड़ दो, अब मुझे नहीं चाहिए उसके दिए हुए पैसे। ये रखो। ठीक है मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी। ये लो, इसे भी फाड़ के फेंक दो, मैं वहां पे कभी नहीं जाऊंगी। खुश देखो सुमन, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर बेवजह शक की। मुझे नहीं पता था कि ये समूह तुम औरतों का समूह है। मुझे लगा जैसे जैसे कोई आदमी हो। सुमन मुझे माफ कर देना, आज के बाद ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। और सोचना भी मत, वरना तुम्हारा दिमाग। मेरा दिमाग? हाँ मतलब ये कि तुम्हारे पास दिमाग तो है मगर थोड़े से पेच ढीले हैं। दुख भरी घड़ी कटी रे भैया शुभ घड़ी आयो रे, दुख भरी घड़ी कटी रे भैया शुभ घड़ी आयो रे। अरे ये तुझे हो क्या गया है? ऐसे ही तू घड़ी साथ बनी होगी दूसरों की घड़ियां काट काट के। घड़ियां कटे ऐसे खुशियां बटे, जैसे मेरी कटी ऐसे सबकी कटे। हो मुबारक घड़ी ये नई ये नई। ना 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 ना। अरे अरे बेटा घड़ी बोले टिक टिक टिक, तू भी यही टिक जा, रुक रुक रुक। लेकिन ये शुभ घड़ी हम लाए कहां से? ये तो बड़ी महंगी होगी। एक काम करें हम एक समूह बना ले, स्वयं सहायता समूह। अरे ये घड़ियां मेरे पास है, मेरी सलाह माने और इकट्ठे हो जाएं। समूह में शक्ति है, संगठन में ताकत है। हाँ लेकिन ये स्वयं सहायता समूह बनेगी कैसे? मैं क्यों बताऊं? विशेषज्ञ करेंगे इस बात का खुलासा आपके लिए। स्वयं सहायता ग्रुप्स 10 से लेकर 20 महिलाओं को लेकर बनाए जाते हैं। इसके पीछे सोच यह है कि उन महिलाओं को जिनकी सोच एक जैसी हो, समान सोच हो और बैकग्राउंड उनकी वैसी हो, तो इकट्ठे मिलके जो कार्य कर सकती हूँ, तो ऐसे ग्रुप्स को लेके ये ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इन्हें रजिस्टर्ड होना नहीं होता है, ये मात्र ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं जिनके जरिए हम लोग ये सभी, जैसे उनको लोन देना है, फिर उनकी स्किल डेवलपमेंट करवानी है, उनको दूसरी ट्रेनिंग्स दिलवानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य करवाने हैं और आत्मनिर्भर बनाना है, उन्हें एजुकेशन भी देनी है। हम लोग स्वयं सहायता ग्रुप्स को जो आर्थिक मदद देते हैं, जो उनके माइक्रो लोन्स देते हैं, सूक्ष्म ऋण देते हैं, उन्हें हम उन तक पहुंचाने का काम एनजीओस के जरिए करवाते हैं। हमारे यहाँ से संस्थाओं को हम 8% पे दे रहे हैं और वे लोग आगे 8% से लेके 18% तक दे सकते हैं और ये उनके और ग्रुप के बीच में तय होता है ये रेट। लेकिन अगर किसी ग्रुप को, किसी समूह को ज़्यादा ऋण की आवश्यकता है जिसको वो अपने सदस्यों में बांटना चाहेंगे, तो वो बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। नाबार्ड उपलब्ध कराती है बैंकों को लगभग 6.5% के आधार पर, तो स्वयं सहायता समूह को जो ऋण पहुंचते हैं वो 8.5% से 9% के बीच में होते हैं। और स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को किस ऋण पर, किस ब्याज दर पर वो दे रहे हैं, ये समूह को ही तय करना है। तो एक मॉडल रहा कि वो बैंक के पास आ सकते हैं। दूसरा ये है कि स्वयंसेवी संस्थाएं बैंक से ऋण ले लेती हैं, जिसको हम बल्क लोन कहते हैं, और बल्क लोन या तो बैंक से ले लें या राष्ट्रीय महिला कोष जैसी संस्थाओं से भी उनको ऋण उपलब्ध है। उस ऋण को स्वयंसेवी संस्थाएं स्वयं सहायता समूह को ऋण उपलब्ध करा देती हैं। तीसरी स्थिति ऐसी आती है जब ये जो अपनी स्वयंसेवी संस्थाएँ हैं यही अपना बचत जनरेट करती हैं, बचत पैदा करती हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का रूप ले लेती हैं। इसके अलावा हम घर बनाने के लिए भी लोन दे रहे हैं,
उनकी यही छोटी मोटी जो घरेलू खर्चे हैं उनके लिए भी हम देते हैं, और किसी भी और फंक्शन के लिए, मेडिकल जैसे कोई स्वास्थ्य या उनको बीमारी के ऊपर खर्च करना है उसके लिए, जो कि हमने ये सोचा था कि उस साहूकार के पास जाने की उनको ज़रूरत तब भी नहीं रहनी चाहिए, साहूकार से भी जान उससे भी उसके चंगुल से उसको मुक्ति मिलती है, अपना एक पैसा उसके हाथ में आता है, नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है, फिर अवेयरनेस जनरेशन होती है, वो अपना मूल्य समझती है और फिर वो अपनी बेटियों के लिए भी करती है। अगर ग्रामीण सशक्तिकरण हो रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये सशक्तिकरण न सिर्फ सामाजिक है बल्कि आर्थिक भी है। अब समझ में आया तुम्हारी स्वयं सहायता समूह के बारे में? हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम क्या मुझे इतना बेवकूफ समझती हो, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या? हाय हाय इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसलिए मुस्कुराहट की तो बात ही मत करो, लोग कहते हैं मेरे एक मुस्कुराहट पे हजारों लोग मरते हैं। ओहो फिर तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम इस बहाने देश की आबादी तो कम हो जाएगी। मैं सच बोल रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? किसने कहा तुमसे? मेरी माँ। ओह उन्होंने कहा है, अब हर माँ को अपना बच्चा प्यारा ही लगता है। तो क्या ये सच नहीं? एक बात बताओ है? तुम मेरे सामने मुस्कुराए ना है? तो मैं खड़ी हूँ, मरी तो नहीं? तुम कितने बुद्धू कितने नादान हो, अरे हर बात का मतलब वो नहीं होता जो कहा जाए। इसका मतलब फिर मैं कैसे समझ लूं कि तुमने अभी अभी जो स्वयं सहायता समूह के बारे में बोला हा? वैसा कुछ है भी और वैसा कुछ हो भी रहा है? अरे एक जगह नहीं कई कई जगह हो रहा है। अच्छा अभी तुमने सुना नहीं? अरे पूरे देश में 25 लाख से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत करो। हाथ कंगन को आरसी क्या, आइए आपको ले चलते हैं जगह जगह सफलतापूर्वक चलते स्वयं सहायता समूह दिखाने। हाँ हाँ चलिए हम भी चल के देखते हैं। ये ग्रामीण महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर एकजुट हुई और अपने जीवन की राह खुद ढूंढ निकाली। ये अपनी बचत का एक हिस्सा उस कोष में जमा करती हैं जो इन्होंने स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी ही मदद के लिए बनाया है। प्रधान जी मेरे को 3000 रुपए की सख्त जरूरत है। किस लिए लिए है पैसे? मैंने जी किसी से उधार लिए थे, मेरा आदमी हो रहा है बीमार, तो मैंने उसके इलाज के लिए पैसे लिए थे और वो मेरे पे टाइम पे नहीं दिए गए। ग्रुप से कुछ मुझे सहायता मिल जाए तो मैं बहुत धन्यवाद मानूंगी। ठीक है पैसे मिल जाएंगे, फिर किस्त या दोगे? किस्त वाइज एकदम दोगे, किस्त वार दोगे? हाँ जी किस्त मतलब 200 रुपए महीना और जो ब्याज बैठेगा, ब्याज भी किस्त भी, और 50 रुपए वाली अलग है। और जो 7 तारीख तक पीछे देगी और 10 रुपए डंड के लग गए। हाँ ठीक है जी मेरे को 3000 रुपए दे दो आप, बहुत धन्यवाद होगा आपका। क्या है कि भी दिक्कत बाजी हो पैसा ले सको तुम। खुशी से थिरकते इन नर्तकों का आत्मविश्वास बताता है कि आज उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का गर्व है। जिन्हें समाज ने समानता का अधिकार भी ना दिया वे ही अब समाज के हर वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। अब माने कि अब भी नहीं? माना भी, समझा भी और सोचा भी। अच्छा तुम सोचते भी हो? तभी गोबर जलने की बदबू आ रही है। बताओ क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि अब मैं जवान हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि जब मैं रास्ते में चलता हूँ तो लड़कियां मुझे देख देख के ठंडी आंखें हाय करती होगी। हाय हाय करती होगी, हंसती होगी तुम पर। तुम्हें पता है मेरी एक सहेली है, उसने अपने पति के लिए एक नए नमूने वाला स्वेटर बुना और अपने पति को पहनाकर अपनी सहेली को दिखाया। तो उसकी सहेली हंसकर बोली, अरे नमूना तो बिल्कुल नया है, विज्ञापन दिया था या यूं ही मिल गया? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नमूने वाला स्वेटर नहीं पहनूंगा। हाँ तुम तो खुद ही एक नमूना हो, तुम्हें तो हमेशा मजाक उड़ाती है, हमेशा मेरी खिल्ली उड़ाती है। आखिर मुझ में कभी क्या है ये मैं पूछना चाहता हूँ। ए चोखी चोखी, मैं शादी करना चाहता हूँ यार। हाय क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? तुम्हारी तो सोच ही गलत है, अगर तुम शादी कर लोगे तो उसे खिलाओगे क्या? अरे पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, और जो काम काज सीखा है वो तुम करना नहीं चाहते, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हो, काम खाना काज का दुश्मन अनाज का। ए चोखी
अम्मा कहती थी कहीं से कुछ मदद मिल जाए तो कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूंगा। वो भी किसी समूह की बात करती थी। ए जोगी, बता ना, ये समूह इतनी मदद करता है क्या? हाँ, समूह इतनी मदद करते हैं। अच्छा? संतोष को मिली ना मदद। हाँ? और इस मदद ने उसकी जिंदगी ही बदल दी। क्या बात कर रही है? राजस्थान में रहते थे हम, राजस्थान से वहाँ दिल्ली में आ गए, दिल्ली से पढ़ना लिखना सीख गए, पहले अंगूठा लगाते थे उसके बाद सेन करना सीख गए, तो फिर समिति में जुड़े। हमारे समिति की रोशनी ग्रुप है समिति का नाम। दिल्ली में जब माँ बाप गोद में लेके आए थे हमें यहाँ, तो उसके बाद शादी भी यहाँ ही हो गई, सब कुछ यहाँ ही हो गया, बच्चे भी यहाँ ही जवान हो गए, हम खुद भी जवान यहाँ ही हो गए। तो उसके बाद हमें कोई बोलने लगे प्रयास में, तो हमारे समिति खुलवाई, कई औरतें तो ऐसे बोलने लगी पता नहीं 50 रुपए जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। मैडम ने हमें सहायता बताई कि हमें को बैंक में ले जाके वहाँ पता लगवाया, कहीं ये खाता खुलवाएंगे, तो हमारी ग्रुप का नाम निकाला रोशनी ग्रुप। तो मैं सबकी उनकी है ना वो प्रधान हूँ वहाँ की, हम 3 औरतें मेंबर है, तो जब तक मैं सहन नहीं करूँगी जब तक बैंक से पैसा नहीं देंगे। किसी को परेशानी पड़ती थी, किसी को और पड़ती थी, जैसे ये सामान बनाते हैं तो इसमें पैसे की कमी आ जाती थी, तो लोन के बारे में पता लगा तो वहाँ गए, तो 3 औरतें का सहन मांगेगा, जब तक ये जाएगी 3 औरतें में से 3 औरतें जाएगी तब इनको लोन मिलेगा। जैसे परेशानी ये आती है कि हमें कोई काम धंधा आता है, कोई और आता है, तो पहले हमें 1000-1000 रुपये मिले थे वहाँ पे, तो बैंक में पता करा कि हमें 1000 रुपये से औरतें ने लिया, तो उसका ब्याज उज वो करके वहाँ पे इकट्ठा कर दिया, तो वहाँ पे 10 के कांटे से लेते, तो यहाँ पे हमें 2 रुपये कांटे से मिल रहे हैं, तो बैंक में पता लगा। अब तो बैंक में जाते हैं तो कुछ हमें डर नहीं लगता, अब तो जाके खुद निकलवा लेते हैं वहाँ पे। उसके बाद 1000-1000 मिले तो वहाँ पे पता लगा कहीं ये पैसे वापस कर दिए तो इनको ज़्यादा भी लोन मिल सकता है, इनको बड़ा भी लोन मिल सकता। उसके बाद हमें 10-10 हज़ार की बात करी, 10-10 हज़ार रुपये मिले। जब ये यहाँ के लोगों से जुड़ी, यहाँ से बातें करने लगी, तो मुझे गुस्सा होने लगा कि भाई ये कहाँ जा, क्या प्रॉब्लम है, ये क्या चक्कर है इनका, ये क्या 50-50 रुपये का चक्कर लगा रखा है इन लोगों ने। मुझे थोड़ा दिल के अंदर यहाँ सेक्स होने लगा, क्या चक्कर है। फिर मैंने 2-4 औरतों से और पूछा, मुझे ये क्या चक्कर है, कोई ऐसी तो बात नहीं है कहीं भाई, ऐसे भी लोग हैं कहीं ऐसी बात हो जाए, कहीं लेने देना पड़ जाए, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम ला ला के पैसे देते हैं, तो ये पैसे क्या करती है भाई, समझ नहीं आए इन लोगों को। जब मैंने 1-2 रुपये शक किया मुझे ये पैसे जाते कहाँ हैं, तो इन्होंने जोड़ के मेरे को 1 दफ़े 10 हज़ार दिए, 1 दफ़े 2 हज़ार दिए, कभी 1000-1200 निकाल दिए, तो मेरे को शक महसूस होने लगा भाई ये तो सही है, तो ये घर की आमदनी यही चलाती थी, मेरे को ऐसा लगा भाई सही है। तो इन्होंने धीरे धीरे टीवी ले आई, फ्रिज लेके आ गई, अपना जो है सीडी ले आई, तो ये अच्छा सा घर सही बना रही है। मैं क्या, बच्चे परेशान हो रहे हैं पानी उनी के लिए, तो फ्रिज ले लिया मैंने, तो उससे ना वो का सब्जी उब्जी खराब हो जाती थी, तो बच्चे के लिए ये तो फायदा हो जाएगा का समिति में जुड़ने का, तो एक फ्रिज तो उठा लेंगे। रोशनी ग्रुप से एक ग्रुप दूसरा और बनवा दिया मैंने, तो उसमें अभी 10-12 औरतें हुई। आपको किस लिए पैसे चाहिए? आड़ में ना दुकान लगानी है। और तुम्हें किस लिए चाहिए? वो भी पैसे मांगने थी। सुनो, तुम्हारा मकान तो 10 दिन महीने 20 दिन बाद में भी बन सकता, इसको जो स्टॉल मिला वो बार बार नहीं मिल सकता। पहले ऐसे करते हम सबकी राय लेकर पहले इसको 5000 रुपए दे देते। गिफ्टिंग गारंटी कौन ले रहा है? रोशनी ग्रुप में फायदा हुआ, 50 रुपए जोड़ने से हमारे 3-4 हज़ार रुपए बन गए, तो और फायदा नहीं है क्या मालूम। तो औरतों को बोलेंगे जैसे मैंने जोड़ा है जैसे आप भी डालो, ग्रुप बढ़ता जाएगा। इसमें जुड़ने से आप बहुत ज्यादा ताकत आ गई, बहुत हिम्मत बढ़ गई। वाह वाह वाह, देखो इसकी डिक्शनरी में तो इम्पोसिबल नाम की कोई शब्द है ही नहीं। जिस काम में भी हाथ डाला जुट गया जी जान से। हाँ, मेहनत रंग लाएगी और हर कदम पर सफलता आपके कदम चूमेगी, वरना सफलता की राहें टेढ़ी-मेढ़ी कठिनाइयों से भरी होती हैं। ए, प्यार की राहें भी तो टेढ़े-मेढ़े होते हैं, बड़ी कठिनाई होती है, पग पग पर पांव फिसलते रहते हैं।
ये चौकी पता ना, ये प्यार में हमेशा ठोकरें क्यों खानी पड़ती है? कभी कभी थप्पड़ भी खाने पड़ते हैं। ए चौकी, कोई ऐसा काम बताना जिसमें मेरा कोई फायदा हो जाए। फायदा? क्या फायदा? अरे वो अपना मुंगेरी लाल है ना, वो जिस भी काम में हाथ डालता है वो तुरंत सफल हो जाता है। इसी बात पे दोनों पति पत्नी के बीच में नोकझोंक हो गई और मुंगेरी लाल ने कहा कि मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ तुरंत फायदा मिल जाता है। तभी उसकी बीवी गुस्साई और पैर पटक के बोली, तो तुम्हें इसीलिए जल्दी थी मेरी बीमा कराने की? जल्दी तो मुझे भी है, शुक्र करो उस खुदा का और मुझसे मेहरबान का, चाहे मैं सिर धुनती रहूं पर तेरी अनशन बातें मैं सुनती रहती हूँ। ए चौकी, तुझे मेरी शादी की बातें अनशन लगता है? मैंने कितने इश्तेहार दिए, कितने बहनों की पता नहीं बाय डाटा आए, लेकिन पसंद किसी ने नहीं किया। मुझे लगता है जब तक कोई काम धंधा शुरू नहीं करूंगा मेरी हालत पे कोई रहम नहीं खाने वाला। ए चौकी, मुझे लगता है कि मुझे भी किसी स्वयं सहायता समूह से सहायता लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अंगूठे। हैं जी। अच्छा तो अब मैं चलूं। हमने जो लक्ष्मी बाई स्वयं सहायता समूह बनाया है ना, आज इसकी पहली मीटिंग है। क्या बात करें? जो भी लोग स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, तरक्की के इस रास्ते पर कदम बढ़ा रहे हैं, उन सबको चौकी एंड अंगूठा कंपनी की ओर से प्रणाम, नमस्कार। ओके, नहीं टाटा, नहीं बाय बाय। We'll be right back.